हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सुम क्लासेस के इस नए वीडियो लेक्चर में। दोस्तों, इस समय जो है हम लोग चैप्टर नंबर 6 वैद्युत चुंबकीय प्रेरण के सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें से आपके 6 क्वेश्चन जो है हमने सॉल्व करवा दिए थे और 4 क्वेश्चन जो है कहा था कि कल के वीडियो में सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आइए वो जो बचा हुआ 4 क्वेश्चन उसको भी सॉल्व कर लिया जाए। तो क्वेश्चन नंबर 6 तक जो है आपका करवा दिया गया है और क्वेश्चन नंबर 7 है, देखते हैं क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा कि पूर्व से पश्चिम दिशा में विस्तृत एक 10 मीटर लंबा क्षैतिज सीधा तार 0.3×10⁻⁴ वेबर पर मीटर स्क्वायर तीव्रता वाले पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के क्षैतिज घटक के लंबवत 5 मीटर पर सेकंड की चाल से गिर रहा। कहने का मतलब है पूर्व से पश्चिम दिशा में, ठीक है, 10 मीटर लंबा कोई क्षैतिज तार है और ये जो है पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के क्षैतिज घटक के लंबवत 5 मीटर पर सेकंड की वेग से 5 मीटर पर सेकंड के वेग से जो है गिर रहा। ठीक है, पूछ रहा है 3 चीजें इसमें पूछ रहा है। सबसे पहले जो है ए में पूछा है कि तार में प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान तात्क्षणिक क्या होगा। ठीक है, उस क्षण जब ये गिर रहा है तो उस क्षण इसमें जो है प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान क्या होगा। दूसरा पूछ रहा है इसमें विद्युत वाहक बल की दिशा क्या होगी। ठीक है, बी में पूछ रहा है दिशा क्या होगी, इसमें ई पूछ रहा है और इसमें जो है दिशा पूछ रहा है। ठीक है, और सी में क्या पूछ रहा है, सी में पूछ रहा कि तार का कौन सा सिरा उच्च विभव पर होगा। ठीक है, कौन सा सिरा उच्च विभव पर होगा। तो ये 3 चीज़ें जो है आपसे पूछ रहा है। इसमें गिवन क्या है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का भी मान हमको दिया है, कितना दिया है, बी इक्वल टू 0.3×10⁻⁴ वेबर बटे मीटर स्क्वायर, ये जो है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता दे रहा है। ठीक है, अब देखो ई इक्वल टू फार्मूला क्या होता है, हम जानते हैं ई इक्वल टू होता है वी वी एल, ठीक है, साइन थीटा। अब यहाँ पे साफ साफ कह रहा है कि जो ये तार हमारा है, ठीक है, 10 मीटर लंबा, वो पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के क्षैतिज के अभिलंबवत, अभिलंबवत का मतलब थीटा का मान 90 अंश है और साइन 90 अंश की वैल्यू होती है 1, तो सीधे सीधे हमारा क्या हो जाएगा, वी वी एल। ठीक है, अब देखो सब कुछ आपको पता है, तार की लंबाई भी आपको पता है एल, ठीक है, एल इक्वल टू कितना दिया है 10 मीटर, वी भी पता है, सब कुछ है, वैल्यू रखो तो 0.3×10⁻⁴ गुड़े बी की वैल्यू 5 गुड़े एल की वैल्यू 10। ठीक है, तो 5 × 50 और 5 × 3 = 15। ठीक है, तो 150 और एक अंक के बाद दशमलव लग गया गुड़े 10⁻⁴। ठीक है, तो ये कितना हो गया, 15×10⁻⁴, या आप इसको लिख सकते हो दशमलव जो है एक अंक और ले आओ आगे, 1.5×10⁻³ वोल्ट। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपका सॉल्व हुआ, क्या पूछ रहा था, विद्युत वाहक बल का मान निकल आया। अब ध्यान से देखो डायरेक्शन पूछ रहा है, तो दिशा कैसे निकालते हैं। दोस्तों, फ्लेमिंग का दाएं हाथ का नियम अगर आपको याद हो तो फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम के अकॉर्डिंग क्या है, यदि अंगूठा, ठीक है, यही ना दाएं हाथ, तो यदि दाएं हाथ की परस्पर 3 उंगलियों अंगूठा तर्जनी और मध्यिका को हम परस्पर लंबवत रखें, अब यदि अंगूठा हमारा चालक की गति को, ठीक है, अंगूठा चालक की गति को और तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करता है, तो जो हमारा मध्यमा है यानी मध्यिका है ये प्रेरित धारा की दिशा को बताती है। ठीक है, ये अप्लाई करो। अब देखो इसमें अप्लाई करते हैं, तो देखो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या है, हमने कहा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा जो हम जब भी यहाँ पे कोई बोर्ड पर लेते हैं वो क्या होती है, हमारी बाहर से अंदर की ओर लंबवत, यानी इस डायरेक्शन में, तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इधर हो गई, इसको हम चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में ले जाते हैं तर्जनी को, और अंगूठा चालक की गति, ये जो चालक तार हमारा ऐसे नीचे गिर रहा है ना, तो ये देखो अंगूठा जो आपका चालक की गति को व्यक्त कर रहा है, ठीक है, चालक की गति को व्यक्त कर रहा है, और
तर्जनी जो है कि चुंबकीय क्षेत्र, ये चालक की गति, तो ये जो मध्यिका है ठीक है, ये क्या बताएगी? धारा की दिशा। तो धारा की दिशा क्या बता रही है? पश्चिम से पूर्व। तो धारा की दिशा आपकी क्या हो गई? पश्चिम से पूर्व, ठीक है, पश्चिम से पूर्व, क्लियर। अब देखो तीसरा पॉइंट पूछ रहा है कि कौन सा सिरा उच्च विभव पर होगा, जबकि हम जानते हैं विद्युत धारा वाले चैप्टर में आपको बार बार बताया गया है, फिर भी मैं बता रहा हूँ कि जब भी धारा का प्रवाह होता है वो हमेशा उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होता। यहाँ पे धारा का प्रवाह किस डायरेक्शन में हो रहा है? पश्चिम से पूरब की तरफ, पश्चिम से पूरब की तरफ धारा का प्रवाह हो रहा है, तो उच्च विभव पर कौन सा पॉइंट होगा? पश्चिम वाला, ठीक है। तो उच्च विभव पर कौन सा सिरा उच्च विभव पर होगा? तो पश्चिमी सिरा जो है इसका क्या हो जाएगा? उच्च विभव पर होगा, ठीक है, क्लियर हो गया। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 8। इसको जो है आप लोग नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम इसको मिटा रहे हैं, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा दोस्तों, कोई भी किसी भी सब्जेक्ट का अगर न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं तो सबसे पहले जो है जो क्वेश्चन हमको दिया गया है उस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। उस क्वेश्चन में जो है 50% सलूशन आपका उसी क्वेश्चन में होता है। अगर आप क्वेश्चन में ये समझ गए कि हमको क्या चीज़ दिया हुआ है और क्या चीज़ पूछ रहा है, ये दोनों चीज़ें अगर आप समझ गए तो आपका क्वेश्चन डेफिनेटली सॉल्व हो गया 50%। बाकी 50% आप फार्मूला याद है तो फिर हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? किसी परिपथ में 0.1 सेकंड में 5 एम्पियर से 0 एम्पियर तक गिरती है। धारा जो है किसी परिपथ में 1 सेकंड में नहीं 0.1 सेकंड में 5 एम्पियर से 0 एम्पियर तक हो जाती है, ठीक है। पहले उसमें धारा 5 एम्पियर थी, बाद में कितनी हो गई? 0। यदि औसत प्रेरित विद्युत वाहक बल यानी E का मान जो दिया हुआ है, औसत प्रेरित विद्युत वाहक बल E का मान दे रखा है 200 वोल्ट, तो परिपथ में स्वप्रेरकत्व का आकलन कीजिए, ठीक है। यहाँ पे हमको क्या दिया है? समय कितना दिया है? 0.1 सेकंड, ठीक है। धारा में डिफरेंस कितना है भाई? प्राथमिक जो है पहले धारा कितनी थी? 5 एम्पियर की, बाद में जो है कितनी हो गई? 0 एम्पियर। तो दोनों का डिफरेंस यानी डी आई बराबर कितना हो गया? तो 5 माइनस 0 बराबर 5 एम्पियर, ठीक है, क्लियर। दिया हुआ है एवरेज विद्युत वाहक बल यानी ई बराबर दिया है 200 वोल्ट, ठीक है। पूछ क्या रहा है? इसका स्वप्रेरकत्व, स्वप्रेरकत्व का मतलब एल पूछ रहा है। तो दोस्तों याद करो, स्वप्रेरकत्व का फार्मूला हमने ई बराबर क्या बताया था? माइनस एल डी आई बाई डी टी, ठीक है। तो L इजकल टू क्या हो जाएगा? फिलहाल हमें जो है न्यूमेरिकल वैल्यू निकालनी है, तो ठीक है हम माइनस साइन यहाँ छोड़ दे रहे हैं। तो L इजकल टू क्या हो जाएगा? डी आई बाई डी टी इधर है, गुड़े में इधर आएगा, भाग में हो जाएगा E बटे डी आई बाई डी टी। और यही चीज़ जो है स्वप्रेरकत्व के सूत्र में भी मैंने आपको बताया था, वैल्यू रख लो 200 बटे DI, DI का मान कितना है? 5, T की वैल्यू 0.1, ठीक है। ये ऊपर चला जाएगा तो 200 और गुणे में 0.1 बटे 5, ठीक है। 5 चौक 20 40 हो गया, इसका इसमें गुणा करोगे तो 4 1 के 4, एक अंक के बाद दशमलव है, ठीक है। 40 1 के 40 हो गया, एक अंक के बाद दशमलव, एक अंक के बाद हमने दशमलव लगा लिया, ठीक है। तो 4 हेनरी, ठीक है। तो स्वप्रेरकत्व का मान कितना आ गया? 4 हेनरी, ठीक, नोट कर लो। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? क्वेश्चन नंबर 9 है, साइड हो जा रहे हैं, नोट कर लो। पास पास रखे कुंडलियों में एक युग्म का अन्योन प्रेरकत्व यानी M इजकल टू क्या है? 1.5 हेनरी, M इजकल टू 1.5 हेनरी,
ठीक है। यदि एक कुंडली में 0.5 सेकंड तक धारा 0 से 20 एम्पियर परिवर्तित होती है, यानी पहले धारा कितनी थी 0 एम्पियर, बाद में कितनी हो गई 20 एम्पियर, ठीक है। समय कितना ले रहा है 0.5 सेकंड में, ठीक है 0.5 सेकंड में। पूछ क्या रहा है, तो दूसरी कुंडली में फ्लक्स बद्धता में कितना परिवर्तन होगा, यानी फ्लक्स में परिवर्तन पूछ रहा है, यानी d φ/dt पूछ रहा है आपसे, फ्लक्स में परिवर्तन पूछ रहा है ना, तो यानी d φ आपसे पूछ रहा है, ठीक है। m इक्वल टू भी फार्मूला यही होता है, m बराबर क्या होता है, ठीक है, e बराबर m di/dt, e बराबर एम डी आई बाई डी टी, या यही बराबर किसके होता है d φ/dt के, ठीक है d φ/dt के। तो अब देखो ये दोनों चीज़ें अगर बराबर हैं तो dt से dt कैंसिल हो गया, तो MDI बराबर क्या हो गया d φ, और यही हमसे क्या कर रहा है पूछ रहा है, वैल्यू रख लो, ठीक है। m की वैल्यू कितनी है 1.5, di का मान कितना 20 - 0, ठीक है इक्वल टू d φ, हमको t का काम ही नहीं लगा, ठीक है। तो 15 × 30, ठीक है 15 × 30 10, ये है 10, ये भी होगा 1 अंक के बाद हमने 10 लगा लिया, ठीक है। इक्वल टू क्या हो गया d φ, इतना बेबर चुंबकीय फ्लक्स में जो है परिबद्धता में परिवर्तन कितना आया 30 बेबर, ठीक है d φ इक्वल टू कितना हो गया 30 बेबर, क्लियर। अब देखते हैं इस चैप्टर का सबसे लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 है, ठीक है। इधर का हो गया ना, इसको मिटा दें, क्वेश्चन नंबर 10 है। एक जेट प्लेन पश्चिम की ओर 1800 किलोमीटर पर घंटा के वेग से गतिमान है, जो जेट है उसकी वेलोसिटी यानी वेग कितना दिया हुआ है 1800 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो हमने कहा था कि कोई भी चीज़ें जो है फार्मूले में जो है सब एक ही क्वांटिटी में होने चाहिए, यानी एक ही मात्रक में होने चाहिए, ठीक है। बाकी चीज़ें अगर मीटर में है तो इसे भी हमें मीटर में, क्योंकि अधिकांश चीज़ें हमको मीटर में ही मिलेंगी। आगे देखो मीटर में है किस में है, प्लेन के पंख 25 मीटर लंबे हैं, ठीक है। पंख की लंबाई L बराबर कितनी है 25 मीटर, ठीक है। तो देखो ये मीटर है, चाहे इसको किलोमीटर बनाओ या इसको मीटर, तो इसको हम मीटर में बना लेते हैं। तो मीटर पर सेकेंड में बनाने के लिए क्या करते हैं 5/18 से गुणा कर दो, ठीक है 5/18 कितना हो गया 18 × 18 और 100 × 5 500 मीटर पर सेकंड, ये इसकी स्पीड आ गई, ठीक है। अच्छा 5/18 से क्यों गुणा करते हो भाई, देखो ये किलोमीटर है तो किलोमीटर को मीटर में बनाने के लिए 1000 से गुणा करोगे, ठीक है 1000 से कर लो गुणा, ठीक है। बटे घंटा 60 से भाग किए मिनट बना, फिर 60 से भाग किए सेकंड बना, ठीक है 10 कैंसिल हो गया, ठीक है 10/36 आ गया, 2 से कटेगा 2 × 5 = 10 और 18 × 36 5/18, ठीक है। तो नॉर्मली जो है हमको इजी पड़ता है 5/18, बाकी सब कैलकुलेशन से बचने के लिए, ठीक है। तो ये मैंने यूज कर लिया। इसके सिरों पर कितना विभवांतर उत्पन्न होगा, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का मान, उस स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र बी का मान जो दिया हुआ है कितना दिया हुआ 5×10⁴ टेस्ला, 5×10⁻¹ टेस्ला, ठीक है। इस बार चाक थोड़ा गड़बड़ मिल गया है, इसमें बीच बीच में कंकड़ आ जा रहे हैं, सही से चल नहीं रहा। तो पूछ के आराम से, हाँ एक चीज़ और दिया, नति कोण का मान यानी δ = दिया है 30 अंश, उस स्थान पर नति कोण का मान दिया 30 अंश। पूछ रहा है
प्रेरित विद्युत वाहक बल E का मान पंख के सिरों के बीच। अब देखो भाई, अभी याद करो क्वेश्चन नंबर 7 जो ऐसे मैंने बताया था, बिल्कुल सेम वही क्वेश्चन है। यहाँ पे जो है प्लेन हमारा गति कर रहा है, ठीक है, वहाँ पे क्या था, तार सीधे सीधे गिर रहा था, ठीक है। यहाँ पे प्लेन गति कर रहा है, लेकिन प्लेन वहाँ पे तार लंबवत गिर रहा था, लेकिन यहाँ प्लेन जो है एंगल पर है। कितने एंगल पर है? 30 अंश, ठीक है। हमें प्लेन से नहीं मतलब, हमें मतलब है उसके पंख से, ठीक है। पंख जो है उसकी लंबाई, भाई प्लेन गति कर रहा तो पंख भी ऐसे ऐसे मूव करेगा ना, तो वही चीज़ है। तो इज इक्वल टू क्या होता है, बी वी एल साइन थीटा, सारी वैल्यू रख लो, v की वैल्यू 5×10⁻⁴, v की वैल्यू 500×, l की वैल्यू 25×, साइन थीटा साइन 30, और साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, तो 50, 25, ठीक है, 1, 2, 500 को हम क्या लिख सकते हैं, 5×10⁻² पॉजिटिव में, ठीक है, 5×10⁻² तो ऐसा लिख देते हैं। तो 5 से यहाँ हमने गुणा कर दिया, ठीक है, 50 हो गया, और यहाँ लिख दे रहे हैं 10⁻⁴, ये तो है ही है, इसकी जगह 10⁻² लिख दे रहे हैं, ठीक है, इंटू 25×1/2। तो इसको सॉल्व कर लो, कितना हो गया, 25×10⁻² और 25×1/2, 25 संयम होता है हमारा 625, तो 625×1/2×10⁻², ठीक है। तो इसको 2 से भाग करो, 2 3 6, 2 1 2, 2 2 4 और 2 5 10 × 10⁻², 1 दशमलव इधर ले आओ, 1 2, 2 अंक इधर ले आते हैं, तो प्लस पावर 2 और हो जाएगी, तो -2 + 2 0, यानी 10⁻⁰ का मतलब होगा 1, ठीक है। तो ये यानी सीधे 3.125 बोल, ठीक है। तो उसके पंख के सिरों के बीच जो विभवांतर आएगा वो कितना आएगा, 3.125 बोल, ठीक है। तो इस तरीके से आपके जो है ये वैद्युत चुंबकीय प्रेरण के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है सॉल्व हो चुके हैं। अब इसके बाद हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं नेक्स्ट चैप्टर, प्रत्यावर्ती धारा। अगर इस चैप्टर में किसी को कोई डाउट हो तो वो बता सकता है या पूछ सकता है, ठीक है, जो भी आपका डाउट हो, ओके।